नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली न्यूज आ रही है मैकबॉक्स की तरफ से, और मैकबॉक्स का एक न्यूज आ रहा है जहां बताया जा रहा है कि मैकबॉक्स जो एक कंपनी है, वो जो जैसे आप स्नैपचैट पे जो मैप देखते हैं जूम आउट करके फ्रेंड्स लोग का कि वहां कहां वो दिखाए जा रहे हैं, जो ऊबर पे आप मैप देखते हैं वो सब मैकबॉक्स द्वारा ये सप्लाई किए गए मैप है जो गूगल मैप को कम्पीट करते हैं। अब उसने हायर कर लिया एनिमेशन डायरेक्टर जो है, एक्स डायरेक्टर जो है एप्पल के जो थे, अब एक्स इसलिए हो गए क्योंकि अब मैकबॉक्स को ज्वाइन कर लिया, उसने हायर कर लिया ज़्यादा सैलरी देके। देखते हैं दोस्तों क्या मैकबॉक्स इस्तेमाल कर पाता है, कि स्नैपचैट का जो मैप है उसको बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे एनिमेशन दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से नेविगेशन भी करा जा रहा है उसमें। दूसरी न्यूज है दोस्तों, IRCTC जो कि इंडियन रेलवे का है उसको लेके न्यूज आ रही है, उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया है गवर्नमेंट ने, हैक नहीं किया है उसने, टैप कर लिया, जैसे आप फोन कॉल करते हैं दूसरा को सामने वाला टैप करके आप बातें सुनता है, वैसे सारे हिस्ट्री जानने के लिए गवर्नमेंट ने टैप कर लिया IRCTC का वेबसाइट, और वो चाहते हैं कि सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वो अपनी तरफ से जितना भी वो ले सके वो ले लें, और उसके बाद में कुछ नए स्पेशलाइज्ड वेरिएंट जो निकाल दें कि उसमें जो खामियां हैं उसके पूरी कर सके और नए नए फंक्शन उस पर ला सके, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तीसरी चीज़ है दोस्तों ट्रेडर्स को लेकर, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की जो डील है बहुत बड़ी डील है, जो कि इंडिया में ऐसी डील हुई नहीं है कभी, और दोस्तों को बता रहे हैं जो ट्रेडर्स जो भी कंपनी के वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं 2 जुलाई को, और चाह रहे हैं कि सब शॉप बंद रहे उस दिन आसपास के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ के, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की डील हो गई तो दोस्तों बहुत सस्ते में सामान मिलने लग जाएंगे ऑनलाइन बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में, और इससे जो ऑफलाइन रिटेलर्स उनके बहुत मार्जिन में नुकसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, वो फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट किस पैसे में डील करते हैं, क्या देखा जाता है, 2 जुलाई को पता चली जाएगा। उसके बाद न्यूज है दोस्तों एप्पल को लेकर, एप्पल कुछ ऐप बैन कर दिया है अपने ऐप स्टोर में, जैसे कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स जो यूज़ नहीं कर सकते बिना एप्पल ऑथराइजेशन के बिना, जैसे कि एंड्रॉइड आप APKs डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से या जैसे भी करके, जो एप्पल में आप नहीं कर सकते क्योंकि एप्पल में क्रिप्टो करेंसी माइन करने की परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स है वो माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसी आपसे बिना पता नहीं है, और खाते हैं आपकी बैटरी, खाते हैं आपके रैम परफॉर्मेंस, खाते हैं फ़ोन की बहुत सारी ग्राफिक्स, तो उसके लिए दोस्तों एप्पल इतना सब कुछ बैन कर देता है, ये उस एप्पल की खासियत है, इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेस है बड़े बड़े डील करने वाले वो एप्पल यूज़ करते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्रिप्टो करेंसी कोई माइन कर पाता है एप्पल डिवाइस से या नहीं। दूसरी न्यूज़ पेटीएम को लेकर, पेटीएम अपने ऑफलाइन मार्केट शो बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निक यूज करने वाला है, जिसका जो ये करने वाला है कि वो जैसे कि आप SBI के वगैरह, एक्सिस बैंक के, HDFC के वगैरह बैंक के POS मशीन्स, जैसे POS मशीन देखते हैं जहाँ पे आप किसी भी ऑफलाइन रिटेलर शॉप जाते हैं, आप कार्ड सेव करने बोलते हैं उसको POS मशीन बोलते हैं, पैसा पेटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप एक सुविधा पर पेटीएम पर डेबिट कार्ड है वो खरीद सकते हैं, तो उसके बाद आप POS मशीन पेटीएम पर देख सकेंगे अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को, आपको बार कोड स्कैन नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पास कार्ड है तो आप पेटीएम का कार्ड उसमें इंसर्ट करके आप स्वाइप कर सकते हैं, उससे पेटीएम की ऑफलाइन मार्केट और बूस्ट हो सकती है। उसके बाद आ रही दोस्तों एयरटेल के नए प्लान को लेकर, जिसकी प्राइसिंग आई है वो है 558 का, जो कि 82 डेज का प्लान है, उसमें आपको मिलने वाला है पर डे का 3 GB डेटा, अब अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलने वाला है डेली का 100 SMS, तो बता के फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद आई दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया मोबाइल कॉमर्स को लेकर, IFC की तरफ से, और बताया जा रहा है कि टॉप 1000 जो ऐप्स है कॉन्टेस्ट चालू हो चुका है आज से, तो और जब तक 25 से 27 अक्टूबर तक का होने वाला है ये IMC, जगह मैं भी अटेंड करने जाने वाला हूँ, और 5 अक्टूबर तक ये कॉन्टेस्ट चालू रहेगा, जो टॉप 100 ऐप्स रहेंगे अभी न्यू इमर्जिंग ऐप्स टॉप 100 उनको अवार्ड दिया जाएगा IMC यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सबके सामने, और कुछ प्राइजेस भी दिए गए, तो गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर देगी पार्टिसिपेट जो करना चाहते हैं अभी से करना चालू करते हैं। उसके बाद दोस्तों Xperia XZ2 को लेकर, जो कि बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में लॉन्च हुआ था, उसमें आ गया एंड्रॉइड पी का दूसरा बेटा अपडेट। दोस्तों अगर आप XZ2 वाले यूजर हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, अपने चेक कर सकते हैं, अपडेट में आ गया होगा एंड्रॉइड पी का बेटा वर्जन नया वाला। उसके बाद आगे दोस्तों LG को लेकर अपडेट, और नया फोन आ रहा है LG का 6.2 इंच डिस्प्ले वाला, जिसका नाम है LG स्टाइलो 4, जो कि अब LG नोट जैसा नोट सीरीज वाला सैमसंग निकालता है वैसा एक नया फोन लेके आ रहा है जिसका स्टाइलस वाला, जिसमें आपको स्टाइलस मिल जाएगा, और उसका नाम रखा है स्टाइलो। तो देखते हैं क्या LG लेके आता है, क्या टाइम पे लॉन्च करता है, क्या सही प्राइसिंग रखता है, क्या फिर ऐसे खुश हो जाता है हर बार की तरह। उसके बाद दोस्तों न्यूज आ रही है फिटबिट को लेके, फिटबिट जो किड्स का ट्रैकर है फिटबिट बैंड स्मार्ट बैंड, वो निकाल चुका है $100 में,
देखते हैं कैसा होता है बच्चे लोगों का फिट बैंड, क्योंकि बच्चे लोग को ट्रैक करना जरूरी है, लेकिन फिटनेस बैंड उतना जरूरी है कि मुझे समझ नहीं आता। हालांकि पेरेंट्स सब ट्रैक कर सकते हैं उनकी फिटनेस एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे से, $100 का फिटबिट का फिटनेस बैंड खरीद के। दूसरी बहुत अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है, ये वेल्व कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, वो अपनी जो स्टीम है इंडिया में जा, जिससे आप पबजी खेल सकते हैं अपने पीसीज में, पबजी यानी कि प्लेयर अनाउंस बैटल ग्राउंड वो खेल सकते हैं आप पीसी में, अपने फोर्टनाइट खेल सकते हैं उससे। वो अब चाइना में वो अवेलेबल नहीं था, तो वेल्व जो दूसरी कंपनी है थर्ड पार्टी चाइना ही कंपनी है, वो अपने तरफ से उस टीम को हायर करके और स्टीम को लेके अब चाइना में लॉन्च कर रही है। दोस्तों जो चाइना की यूजर से पबजी खेलना चाहते हैं नहीं, पीसी में नहीं खेल पाते, तो स्टीम को डाउनलोड करके वेल्व के द्वारा खेल सकते हैं बहुत ही आसानी से पबजी को। उसके बाद अभी दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ वीवो नेक्स को लेके, उसमें निकाल दिया है फुल डिस्प्ले वाला फोन बिना नॉच के, जो कि 6.92 इंचेस का फोन आ रहा है वीवो की तरफ से। उसमें आपको मिलेगी 8GB की रैम, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, और मिलेगा 256GB का इंटरनल मेमोरी। उसका दोस्तों एक छोटा वेरिएंट भी है जिसमें आपको मिलेगा 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल, और मिलेगा स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर। और दोस्तों जो हायर वेरिएंट वाला है उसमें जिसमें स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर लगा हुआ है, वो आपको मिलेगा लगभग 50,000 से 55,000 रुपए के रेंज में चाइना में। देखते हैं दोस्तों इंडिया में कब तक आता है, ये वीवो ने पक्का तीर मार लिया। हाँ दोस्तों इसमें लगाया आपको 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल पीछे का रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 1.2 अपर्चर, जिसमें 1.8 अपर्चर और 2.0 अपर्चर का सेटअप दिया गया। फ्रंट कैमरा में आपको 2.0 अपर्चर का सेटअप दिया गया, जो कि 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है ऊपर से निकलने वाला, जो कि वीवो के एपेक्स वाला कॉन्सेप्ट फोन था उसके जैसा। देखते हैं वीवो ने तीर अब तो मार ही लिया, देखते हैं कब इंडिया में तीर निशाने पे लग जाता है। उसके बाद नहीं लगा दोस्तों उबर की लाइट ऐप को लेके, उबर एक अपना लाइट ऐप निकाला है जहाँ पे सिर्फ 5 MB का वो ऐप है, वो कंज्यूम बहुत ही कम करता है। अगर आपका नेटवर्क 2G में चल रहा है, अगर आप कहीं जाते हैं ऐसे एरिया में आपका नेट अच्छा नहीं चलता है, उसके लिए काम बहुत ही आने वाला है ये वाला ऐप, क्योंकि आप स्लो नेटवर्क अपने अपने ड्राइविंग को ट्रैक कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं सब ट्रैक कर सकेंगे बहुत ही आसानी से उबर लाइट के ऐप को लेके। उसके बाद नहीं लगा दोस्तों इंस्टाग्राम को लेके, इंस्टाग्राम इन्वाइट भेज चुका है अभी बहुत ही ज़्यादा एक प्रोग्राम आने वाला है इंस्टाग्राम के द्वारा, इवेंट है बहुत बड़ा। वहाँ बताया जा रहा है कि यूट्यूब और फेसबुक पे जैसे वीडियो का हब बनने वाला है इंस्टाग्राम, मतलब कि बहुत सारे वीडियो सब हो गए इंस्टाग्राम में, तो एक हब जैसा यूट्यूब जैसा एक ब्राउजर बनने वाला है इंस्टाग्राम में। देखते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम क्या धमाका करता है इस इवेंट पे, बहुत जल्दी पता चल जाएगा उस लाइव इवेंट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। दूसरी दोस्तों ब्लैकबेरी की वन को लेकर, ब्लैकबेरी की टू लॉन्च होने वाला है, तो ब्लैकबेरी की वन की प्राइसिंग जो 40,000 रुपये थी 6,000 रुपये घटा के उसको की गई है 34,000 रुपये। दोस्तों अगर आप ब्लैकबेरी के फैन हैं तो आप लिख सकते हैं ब्लैकबेरी का कीवन स्मार्टफोन अगर आपको पसंद है तो। दूसरी नजर दोस्तों स्नैपचैट को लेकर, स्नैपचैट आपने जो मैसेज डिलीट नहीं किया था, अगर आपको मैसेज सीन हुआ है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा ऑप्शन स्नैपचैट ले आया है जहाँ पे मैसेज डिलीट भी कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, वहाँ पर डिलीट चैट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एप्पल के iOS 11.4 को लेके, मैं दोस्तों 2 महीने से iOS 11.4 का बेटा यूज़ कर रहा हूँ, 0.4.1, 4.2, 4.3, 4.4 अब यूज़ कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम कहीं फेस नहीं हुआ, प्रॉब्लम फेस हो रही यूजर्स के द्वारा बताया गया कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है इस अपडेट के बाद। दोस्तों मेरा ऐसा प्रॉब्लम आया था 11.2 में, मैंने बहुत जल्दी बेटा अनइंस्टॉल कर दिया था, मेरा ठीक हो गया था। तो देखते हैं हो सकता है कुछ डिवाइस में आ रहा होगा ऐसी प्रॉब्लम, मुझे साथ मेरे साथ तो नहीं हुआ, अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे नीचे बताना कॉमेंट सेक्शन में, मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अभी डाले दोस्तों रिलायंस जियो को लेकर, रिलायंस अब जियो अपना 1.5 GB डेटा लेके 3 GB कर दिया, इसका प्लान बताएं कि मुझे कुछ समझ में आ रहा बताओ कि नहीं, सेम प्लान है बस डेटा डबल किए गए, अगर आप जियो रखे हो तो मजे लो उसके रिचार्ज करके 3-4 महीने वाला प्लान को। उसके बाद अभी डाले दोस्तों अमेजोन फायर टीवी स्टिक को लेके, अब क्रिप्टो करेंसी वाला ये बन गया है, यहाँ से भी प्ले स्टोर के द्वारा माइन करे जा रही है क्रिप्टो करेंसी अमेजोन फायर टीवी स्टिक को लेकर। दोस्तों गूगल का क्रोम कास्ट से अच्छा है अमेजोन का फायर स्टिक, अब कुछ सेफ नहीं रहा है तो अब ना ही ले तो बेहतर होगा इसे। उसके बाद अपडेट आई दोस्तों शाओमी के रेडमी 6 को लेके, और शाओमी ने रियलमी को कॉपी करके तीर मार लिया, यहाँ भी अपने शाओमी 6 से लॉन्च किया और 6 लॉन्च किया, अपने 6 से फिंगरप्रिंट सेंसर को डिच कर दिया शाओमी ने और लगा दिए वहाँ पे सिर्फ फेस आईडी, और फेस आईडी के भरोसे 89 स्क्रीन के साथ में लॉन्च कर दिया रेडमी 6 को, इंडन में आ गया दोस्तों, फिर कॉपी हो जाएगा एप्पल आईफोन 10 का, देखते हैं क्या कर पाता है। और जो प्रोसेसर लगाया वो है दोस्तों 450 और 625 दोनों वेरिएंट्स में, देखते हैं इंडिया में क्या प्राइसिंग बात है, वहाँ तो प्राइसिंग ठीक ही है, चाइना पे इंडिया की प्राइसिंग भी पता नहीं है अभी।
फिलहाल के इतने दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया आपको तो। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं रोजाना के लिए टिकटॉक से वीडियो तो आता लेके आता रहूंगा। तो फिलहाल के इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।